उन हालात को फिर से ठीक करने के लिए, हरा भरा करने के लिए आज यहाँ पर एसटीपीआई ने आगाज कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जमहूरियत का फसल है, इसके बाद और क्या क्या होने वाला है? कब कब बुलडोजर आएगा, कब कब एनकाउंटर हो जाएगा, कब कब हमारे मोहल्लों से पानी बंद कर दिया जाएगा, कभी कभी हमें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, हमारे मोहल्लों से ढकेल दिया जाएगा। खुलेआम कर्नाटक, देखिए यूपी को यूपी बनने में फिर भी टाइम लगा, लेकिन कर्नाटका का जो हशर है अभी, कर्नाटका क्राइम और करप्शन का हिंदुस्तान का नंबर वन मॉडल बन गया है। खुलेआम क्राइम होता है, खुलेआम गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, खुलेआम गवर्नमेंट कहती है कि हम वायलेंस कराएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अगर असेंबली में पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तब तक कितने भी बेहतरीन हो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फायदा नहीं होगा। जो आपके हुकूम को बासानी
हमेशा सच से खतरा होता है, क्रिमिनल्स को हमेशा पुलिस से खतरा होता है। तो ये जो पार्टी हैं जिन्होंने 70-75 सालों में देश को ख़त्म कर दिया, अब जब उन्हें लग रहा है कि जनता को उठाने का जगाने का कोई काम कर रहा है तो उनको हमसे खतरा है। जितने सेक्युलर पार्टीज हैं उन्होंने अफीम पिला दी हिंदुस्तानियों को और अपनी रोटियां सेक ली। बीजेपी ने आके उसमें क्या किया, घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा रेप करो, मर्डर करो, जेनोसाइड करो, उन्होंने अपनी रोटियां सेक ली। तो अब ऐसे वक्त में एसडीपीआई बहुत चैलेंज लेकर बहुत सही बहुत बड़ा काम कर रही है। हमें मालूम है हमें कुर्बान होना पड़ेगा, हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। खुले आम कर्नाटक, देखिए यूपी को यूपी बनने में फिर भी टाइम लगा, लेकिन कर्नाटका का जो हशर है अभी, कर्नाटका क्राइम और करप्शन का हिंदुस्तान का नंबर वन मॉडल बन गया है। खुले आम क्राइम होता है, खुले आम गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, खुलेआम गवर्नमेंट कहती है कि हम वायलेंस कराएंगे। अभी जो गवर्नमेंट में बैठा है पावर उसके हाथ में, सत्ता उसकी है, सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट, ईडी, ईसी और जितने इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो पुलिस हो, जजेस हो, के लॉयर्स हो, सबको खरीद लिया गया है या फिर सबको दबा के रखा गया है, डर बना के रखा गया है। अभी क्या है, आप मीडिया जो हमारी डेमोक्रेसी का एक पिलर है वो ख़त्म हो चुकी है। आप जैसे लोग जर्नलिस्ट या आप मीडिया हैं जो काम कर रहे हैं, वरना ख़त्म। यही कहना चाहूँगी, अगर इज्जत की ज़िंदगी चाहिए, सर पे छत और मुंह में निवाला चाहिए, तो एसजीपीआई ज्वाइन करो। ये 75 साल में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इधर हुकूमत की है, मगर इनको जो आवाम को देना था वो कुछ नहीं दिया, रिजल्ट कुछ नहीं है। आज भी बेरोजगारी है, आज भी परेशानी है, आज भी भूख है, आज भी कौफ है। तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव था एसडीपी, द ओनली ऑल्टरनेटिव आने वाले इलेक्शन में, एसडीपी द ओनली ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ये अवामी सियासत बात करते हैं, अवाम के लिए लड़ते हैं, अवाम के हक के लिए बात करते हैं। तो इसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना था, यही मकसद था। यानी कि माइनॉरिटी इश्यूज में 4 साल में एक बार भी बात नहीं किया। सीएम इब्राहिम साहब आपोजिशन का जो चीफ का पोजीशन नहीं दिया बोलकर रिजाइन किया, उस टाइम में भी डिबेट नहीं हुआ। यानी कि माइनॉरिटी से इश्यूज को बात करने के लिए माइनॉरिटी का मीटिंग नहीं बुलाएंगे, एसडीपी को रोकने के लिए, इसमें इनका मैलूर नजर में आता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कत्ल किया, आरएसएस गोविंद पंसारे को कत्ल किया, एमएम कलबुर्गी साहब को कत्ल किया आरएसएस, और गौरी लंकेश को कत्ल किया, इतने सारे जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, गुजरात का दंगा किया, 11,000 जो दंगे फसाद हुए उसके पीछे कौन है? उसका पीछे जितने भी है ये जो आरएसएस संघ परिवार का लोग है, आप इनको बैन नहीं करेंगे, हम लोग को बैन करना पड़े तो क्यों बैन करेंगे? क्या किए हैं आप लोग? हम संविधान का बात करते हैं, आवाम के हक के लिए बात करते हैं। हमारा 13 साल का हिस्ट्री में किसी भी धर्म के खिलाफ हम काम नहीं किए, किसी एक यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हम लोग नुकसान नहीं किए। क्यों हम लोग को टारगेट करते? क्योंकि हम लोग आरएसएस और बीजेपी का जो काल कार्टून का इसके बारे में आवाज़ उठाते, इसके लिए लॉबी चलाते बस। इल्ली ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವರು ಇದು ಎಸ್ಡಿಪಿ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು। ಇವರು ಅಪ್ಪಿರು ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇದು ಎಸ್ಡಿಪಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ। ಕೆಲವು ಈ ಮನಮರಿದಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಈ ರೀತಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟಿರೋಂತಹ
ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಇದು ಎಸ್ಟಿಪಿ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಸ್ಟಿಪಿ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಏನೋ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಥರದ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೋನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಬಿ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಬ್ ತೀನ್ ಲೋಕ ಹೇ ಐಸಿ ಹಾಲ್ ಮೇ ಅವರು ಕೋಯಿ ಅಲಗ ಆಪ್ಷನ್ ನೀ ಹೇ ये दलित को एंड मुसलमान एंड ओबीसी लोगों के साथ में लेकर और आदिवासी लोगों के साथ में लेकर जाने वाले कोई केंद्र बेस्ड पार्टी नहीं है और कांग्रेस केंद्र बेस्ड पार्टी नहीं है और बीजेपी के तो हज़ारों विंग्स हैं उनके अभी यंग लीडर्स में जो अवेयर हो रहा है कि हमारे भी है एक पार्टी तो स्पेशली जो डिप्रेस्ड क्लासेस लोग हैं और जो अन्याय हो रहे हैं हमारे अत्याचार हो रहे हैं उसको जो आवाज़ जो उठा रहे तो एसरी पे उठा रहे बोल को उनके इन लोगों में ये हो रहा है और यंग टीम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और दलित सेना तो हमारी सोच वही है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी आता है और दूसरे धर्म को दूसरे जात को जो भी ये इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ हम हैं अभी हिंदू का मर्डर होता है तो उसमें इमिडिएटली नाम ले लेते हैं कि एसरीपी के वर्कर्स है पीएफ के वर्कर्स है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया बच्चों का हाथ है बोल के इमिडिएट यही जो प्रवीण का मर्डर हो गया था कर्नाटक के साउथ कैनरा में मर्डर होने के बाद इमिडिएटली ईश्वर बोलता कि ये गुंडा मुसलमान गुंडों का हाथ है बोल के और एक बोल देता कि पीएफआई बैन इमिडिएट बैन करो पीएफआई एंड एसडीपीआई सी कैंपस फ्रंट इमिडिएट बैन करो अरे पुलिस कंप्लेंट नहीं दिया इंक्वायरी नहीं हो गया इंक्वायरी अभी शुरू भी नहीं होता कि ये लोग इमिडिएट इनको डर है ये एसडीपीआई पीएफआई एंड कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को सप्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये सप्रेस नहीं होगा ये लोग जितना सप्रेस करने की कोशिश करता इतना ऊपर उठ जाता है कि इतना पावर उनके पास है ये केडर बेस वो केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करने के लिए हम उनके पीछे खड़े होंगे खड़ा होना जरूर है थैंक यू Thank you for watching GoHash. Like, share, and subscribe our channel.